हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अभी अभी बागेश्वर धाम सरकार जी के शादी को लेकर सोशल मीडियाओं पे बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री रंजीत तिवारी जी के साथ, जो कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी को शादी के लेकर सोशल मीडियाओं पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, शिवरंजनी तिवारी एक भारतीय भजन गायिका है और कथावाचक है। 2023 में वह भारतीय कथावाचक धीरेन कृष्ण शास्त्री महाराज से शादी करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए गंगोत्री से धाम के लिए, जो कि पैदल कथित रूप से पैदल यात्रा करके सुर्खियों में आ गई है। मैं आपको बता दूँ, शिवरंजनी ने इस यात्रा को 1 मई जो कि 2023 को कलश नामक एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा गंगोत्री धाम से शुरू होकर 16 जून 2023 को बागेश्वर धाम पर समाप्त होगी, यह योजना है। मैं आपको बता दूं, आज यानी कि शिवरंजनी तिवारी जी धाम पे पहुंच सकती हैं और यह यात्रा संपन्न हो सकती है। क्या बागेश्वर धाम सरकार जी सुनेंगे उनकी इस अर्जी को? बाकी सुनने में तो आता है, जो सच्चे दिल से बागेश्वर धाम सरकार जी से प्रार्थना करता है उसकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूरी हो जाती। अब देखते हैं इनकी यह मनोकामना पूरी होती है या नहीं। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम सरकार।